बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन को, फ्यूज़ की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, कि सर्किट ब्रेकर जो है वो काम कैसे करता है, ये होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ MCB? जो MCB की फुल फॉर्म है वो है जी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB का मतलब। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इंस्टेड ऑफ फ्यूज़। ये भी जो है, सबसे पहले ब्रेकर का काम होता क्या है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फ्यूज़ की एक मॉडर्न फॉर्म है, और ये जो है आजकल मोस्टली फ्यूज़ की जगह ये जो है MCB ही यूज़ हो रहा है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। सो इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द नेटवर्क, मीन्स इन ओवरलोड कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी कंडीशन। मतलब ये करता है, ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर देता है किस वक्त जब हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे नेटवर्क के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब कोई ओवरलोड कंडीशन आ जाए या कोई शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ जाए, तो उस दौरान ये क्या करेगा, सर्किट को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा। सो एज द स्विच ऑपरेटिंग नॉब कम्स एट इट्स ऑफ पोजिशन ड्यूरिंग ट्रिपिंग, द फॉल्टी जोन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन ईजली बी आइडेंटिफाइड। मतलब क्या होगा, ये जब ही जो है इसके जो ये जो हमारे इसका स्विच, इसका जो बटन है यहाँ दिखाया गया है, ये तभी ऑफ होगा या ट्रिप होगा, इसकी नॉब तभी ट्रिप होगी, ऑफ पोजिशन में तभी जाएगी जब कोई ना कोई मसला होगा। तो इसकी मदद से हम ईजली इसको लोकेट कर सकते हैं कि हमारा जो है फॉल्ट कोई ना कोई आ गया है सिस्टम के अंदर। मतलब क्या होगा कि जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये, जब तक हम फॉल्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो ये दोबारा ऑन नहीं होगा। सो इट इज़ मोस्टली कॉस्टलियर। मतलब ये क्या है, इसका जो प्राइस है वो फ्यूज़ के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो हाउ MCB इज़ कंस्ट्रक्टेड, MCB जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, इसको देखते हैं। कहें जी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, रॉबस्ट एंड मेंटेनेंस फ्री। मतलब ये जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल होती है, और ये काम बहुत तेज़ी से काम करता है, और ये इसकी मेंटेनेंस तकरीबन नहीं होती। अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैज़ नॉर्मली 3 मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स, दीज आर। अब जो है वो कह रहे हैं एक सर्किट ब्रेकर MCB के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं जो नीचे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। पहला है जी फ्रेम ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्रेम जिसके अंदर ये हमारा सर्किट ब्रेकर बंद होता है उसको हम फ्रेम कहते हैं। द फ्रेम ऑफ MCB इज अ मोल्डेड केस, दिस इज अ रिजिड स्ट्रॉन्ग इंसुलेटेड हाउसिंग इन विच द अदर कंपोनेंट्स आर माउंटेड। वो कह रहा है कि ये जो है MCB का जो फ्रेम होता है वो क्या होता है, मोल्डेड केस। मतलब मोल्डेड केस ये होता है कि जो कि हैवी टेम्परेचर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, कि ये गर्म भी हो जाए तो इसको ये ख़राब ना हो जल्दी। सो इट दिस इज़ अ रिजिड स्ट्रॉन्ग इंसुलेटेड हाउसिंग इन विच द अदर कंपोनेंट्स आर माउंटेड। ये एक सख्त मजबूत और इंसुलेटेड हाउसिंग होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स जितने भी इसके अंदर जो इसकी कॉयलें वगैरह होती हैं वो इसके अंदर रखी जाती हैं फ्रेम के अंदर। सेकेंड पार्ट है जी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो क्या है, जो वो चीज़ें हैं जो इसको ऑपरेट करवाती हैं। तो इसके अंदर जो वह रखा है, द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ मैनुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस तरह की कॉइल्स और इस तरीके से जो स्प्रिंग्स वगैरह लगे होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली या मैनुअली इसको अब आप क्लोज भी कर सकते हो और इसको ओपन भी कर सकते हो। तीसरा है ट्रिप यूनिट ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो तीसरा ट्रिप यूनिट क्या होता है, द ट्रिप यूनिट इज द मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द MCB। तो ट्रिप यूनिट होता है वो एक मेन पार्ट होता है जो कि क्या करता है, एबनॉर्मल कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है ये काम कैसे करता है। इसकी ये केसिंग दिखाई गई है, ये जो इसका फ्रेम था, और ये अंदर जो है इसका ये नॉब वगैरह जो भी इसका है, ये सिस्टम जो है ये इसका दूसरा पार्ट था, और तीसरा जो है ये ट्रिप कॉइल जो इसके अंदर होती है वो क्या होता है, इसका थर्ड पार्ट था। हम देखते हैं काम कैसे करता है। वो कह रहा है जी देयर आर टू अरेंजमेंट्स
देर आर टू अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एम सी बी, वन ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट ऑफ ओवर करंट एंड अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ओवर करंट। वो कह रहे हैं दो तरीकों से ये ऑपरेट करता है। पहला इफेक्ट है ये थर्मल इफेक्ट, मतलब जब ये हीट अप होगी इसकी कॉइल तो फिर भी ये ट्रिप हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ज़्यादा बने तो उस दौरान में भी ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये आप ED 115 के अंदर पढ़ोगे। सिंपल यहाँ बताता हूँ कि जब किसी भी कॉइल में से करंट गुजरता है, वोल्टेज भी होते हैं और करंट भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस कॉइल के क्रॉस एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस बन जाती हैं जो कि जिसकी वजह से वो काम करता है। भैया मजीद आप इसको डिस्कस करोगे आप ED 115 के अंदर। थर्ड पॉइंट है जो कह रहे हैं थर्मल ऑपरेशन ऑफ एम सी बी ब्रेकर इज अचीव्ड विद अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप वेन एवर कंटिन्यूस ओवर करंट फ्लोज थ्रू द एम सी बी, द बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड एंड रिफ्लेक्ट्स बाय बेंडिंग। वो कह रहे हैं जी इसके अंदर क्या थर्मल ऑपरेशन ऑफ, थर्मल ऑपरेशन कैसे इसका होता है। वो कह रहे हैं इसके अंदर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी सी होती है जिसे यहाँ ये दिखाई गई है वाली, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ दिखाई गई है, ये एक पतरी होती है मेटल की बनी हुई। इसमें क्या होता है वैन एवर, जब इस पर से लगातार बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करे तो क्या होगा, मतलब ओवर करंट मतलब कि लोड से ज़्यादा करंट फ्लो करे अगर इसमें से तो क्या होगा, द बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड, तो उससे क्या होगा ज़्यादा करंट फ्लो करने से जो स्ट्रिप है ये हीट अप होगी और हीट अप होकर क्या करेगी एंड डिफ्लेक्स बाई बेंडिंग, और ये गर्म होकर क्या कर हो जाएगी मुड़ जाएगी। जब मुड़ जाएगी तो हमारा ब्रेकर क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। इसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब करंट ओवरफ्लो करे तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा बनेगा तो उससे क्या होगा ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा हमारा। तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एडवांटेज ऑफ फ्यूज। अगर हम एडवांटेज फ्यूज के देखें तो वो क्या है, इट इज़ द चीपेस्ट, ये थोड़ा पिछले टॉपिक का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसको देख लेते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल, इट्स नीड्स नो मेंटेनेंस। इसको आप छोड़ो यार। अब यहाँ पर देखते हैं कंपैरिजन, अगर हम देखें फ्यूज और एमसीबी के दरमियान कंपैरिजन में देखें तो क्या होता है, वो कह रहा है कि जो कॉस्ट है फ्यूज और अगर हम एमसीबी को कंपेयर करें तो एमसीबी की जो कॉस्ट है वो फ्यूज के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, अगर हम प्रोटेक्शन के लिहाज से देखें तो एमसीबी जो है वो हमारा फ्यूज के मुकाबले में बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और क्या होता है इसको हम रिपीटेड ऑपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग, एमसीबी की जो ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रोटेक्शन है वो फ्यूज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी, क्योंकि फ्यूज फायर हम सेलेक्ट करते हुए हमसे गलती भी हो सकती है कि हम मोटी तार लगा दें तो हमारा सर्किट ट्रिप ही ना हो, हमारा वो जले ही ना और हमारा आगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं वो जल जाएं। तो इसलिए जो एमसीबी है वो ओवरलोडिंग में भी फ्यूज़ के मुकाबले में बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सर्ज करंट, सर्ज करंट होता है कि ये अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब करंट ओवर बढ़ जाता है, सर्ज मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्ज होता है कि जिस एक सडनली आपका करंट बढ़ जाए तो विद फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तो उससे क्या होगा अगर थोड़ा सा भी करंट आपका सर्ज करंट एकदम आता है तो फ्यूज़ वायर आपकी जल जाएगी। लेकिन वो क्या होता है कि सर्ज करंट जो है फिर बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है, तो फ्यूज़ जल जाएगा लेकिन एमसीबी हमारा ट्रिप नहीं करेगा, तो वो जो है उस चीज़ को मैनेज कर लेगा एमसीबी और ट्रिप नहीं होगा, हमारा सर्किट जो है ऑन ही रहेगा और सिस्टम हमारा विदाउट डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो सर्जिस हल्की फुल्की जो करंट की सर्जिस आती रहती है सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर फ्यूज़ लगा होगा तो फ्यूज़ क्या करेगा, जल जाएगा, तो हमारा सर्किट अगर हमारा वो ऐप बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के लिए थी उसके बाद ख़त्म हो जानी थी लेकिन फ्यूज़ जल गया तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो उसको दोबारा हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी जो है इन सर्जेस को बर्दाश्त कर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम में रिलायबिलिटी रहती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज फॉल्ट्स, हम देखोगे ELCB जो आजकल हमारे आए हुए हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या आपके जो एमसीबी होते हैं ये ELCB होते हैं, और ये जो है आपको अगर कहीं पर आपकी लीकेज हो रही है, मतलब कोई फेज़ आपका ग्राउंड से टच हो गया कहीं पर, तो उसके नतीजे में भी ये क्या करते हैं एमसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्यूज़ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एमसीबी जो है फ्यूज़ तो है हमारा ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये ओवर वोल्टेजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन जो एमसीबी है वो ओवर वोल्टेजेस के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवर वोल्टेजेस मतलब 220 से 300 वोल्टेज हो गए या 280 वोल्टेज हो गए तो उस दौरान ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, लेकिन फ्यूज़ जो है वो ट्रिप फ्यूज़ जलेगा नहीं।
नेक्स्ट है जी कन्वीनियंस इन ऑपरेशन, फ्यूज जो है जल जाए उसको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है, लेकिन एमसीबी जो है वो रिपीटेड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मसला आएगा तो ट्रिप कर देगा दोबारा, इसको हम फॉल्ट को रिमूव करके हम दोबारा इसको ऑन इजिली कर सकते हैं, तो इसलिए कन्वीनियंस इन ऑपरेशन है एमसीबी। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जिस तरीके से एमसीबी हमारा ओवर वोल्टेज के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से ये अंडर वोल्टेज के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडर वोल्टेज हमारे रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज अगर कम हो जाए तो उसको हम अंडर वोल्टेज कहते हैं। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फ्यूज वायर, अब फ्यूज वायर की हमें सेलेक्ट करते हुए गलती हो सकती है, लेकिन एमसीबी जो है वो उसमें हमें वो मसला नहीं आता। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, जिसमें सर्ज करंट के हिसाब से बताया कि इसमें फ्यूज में रिलायबिलिटी कम है, एमसीबी में रिलायबिलिटी ज़्यादा है। रिलायबिलिटी कहते हैं कि काबिले भरोसा हमारे सिस्टम विदाउट सप्लाई ऑफ हुए चलता रहे, मतलब शॉप बिल्कुल फ्यू माइक्रोसेकंड्स के लिए फॉल्ट अगर आए तो फ्यूज जल जाएगा, लेकिन एमसीबी हमारा जलेगा नहीं, बल्कि हमारे उसको मिनिमाइज करके हमारा सर्किट चलता रहेगा। अपियरेंस, फ्यूज की जो लुक है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो एमसीबी एक अच्छा लगता है लगा हुआ सर्किट में। तो ये सब कंपेरिजन था फ्यूज और एमसीबी के दरमियान। अब आपकी जो एक असाइनमेंट है वो ये है कि आपने फ्यूज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपने क्या करना है, ये जो है ये लिखकर मुझे आपने 6 मई से पहले पहले आपने मुझे सबमिट करवानी है, मतलब आपने इसको लिखकर इसकी पिक्स बनाकर मुझे आपने वो सेंड करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं इस लेक्चर को सुने बार बार, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप थ्रू व्हाट्सएप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। और एक और बात इम्पोर्टेंट जो है, अगर आप आपको अब टाइम मिला हुआ है तो आपने क्या करना है, अपने स्टडी के हवाले से आपने जो है अच्छे तरीके से आपने इसको मेहनत करके जितना भी आपका कोर्स जो पीछे हम कवर कर चुके हैं उनको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारे बोर्ड के पेपरों के हवाले से भी तैयारी साथ साथ होती रहे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।